उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। पौड़ी जिले में कांग्रेस टिकट फाइनल करने से पहले कार्यकर्ताओं का मन टटोल रही है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले में कांग्रेस टिकट फाइनल करने से पहले कार्यकर्ताओं का मन टटोल रही है। इसी क्रम में कांग्रेस जिला प्रभारी ज्योत सिंह गुनसोला श्रीनगर नगर निगम से लेकर तमाम नगर पंचायतों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दावेदारों की नब्ज टटोल रहे हैं, जिससे ये ज्ञात हो पाए कि दावेदारों की पकड़ आखिर धरातल पर कितनी मजबूत है, ताकि मजबूत पकड़ वाले दावेदारों की लिस्ट बनाकर टिकट जल्द फाइनल किए जा सकें। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नगर निकाय चुनाव से लेकर से पहले जोश भरा जा रहा है, जिससे कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाए। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। स्थानीय निकाय के चुनाव अभी अधिसूचना नहीं जारी हुई, लेकिन पार्टी का मंतव्य रहा कि भाई हम लोग अपने साथियों के साथ, कार्यकर्ता साथियों के साथ बातचीत करने बैठे हैं और उनसे जो है इस संदर्भ में तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके ये है कि आने वाले चुनाव में संभावित उम्मीदवारों की जो है उस पर जो है चर्चा की गई। और अभी तो ये पहला बैठक है, उसके बाद अभी फिर दोबारा बैठेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे और जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए जो है पार्टी जो है लाम बंद होकर काम करेगी। ये मैं सिर्फ पौड़ी में किया हूँ, पौड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया हूँ, बहुत अच्छी बैठक वहाँ रही। श्रीनगर नगर निगम के लिए की है, वहाँ बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रही। सतपुली में भी वो उसी तारतम्य में बैठक हुई